हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राधा यादव ब्लॉग। आ गई हूँ मैं आज आप लोग के पास बहुत सारे एक अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों आज, क्योंकि आप लोग सब करने वाले हो मेरा जेंडर प्रिडिक्शन। मैं सबको बताती हूँ कि हाँ ये लक्षण है तो आपको बेटा होगा, ये लक्षण है तो आपको बेटा होगा। किसी को देख के सामने देख के बोलती हूँ कि हाँ इसको लड़का है या इसको लड़की है। आज आप लोग, मैं आपको अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स बताऊंगी, आप मेरे को बताओगे कि मेरे को क्या होने वाला है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको अपनी इससे पहले जो दो प्रेगनेंसी है उसके सिम्टम्स भी बताऊंगी और अब की मैं भी बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि मेरे को क्या, मेरे घर क्या आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना, ओके दोस्तों। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों चलो, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये मेरी पहली प्रेगनेंसी नहीं है, मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है। पहला मेरा बेटा है, फिर मेरी बेटी है और मेरे अब मेरे को थर्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है। और एक बात और कि और चाहे कितनी बार भी प्रेगनेंट हो, एक बार हो, दो बार हो, मल्टीपल बार हो, उसके हर प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होंगे, वो चेंज ही होंगे, कुछ सेम नहीं होगा कि हाँ जो फर्स्ट में हो वही सेकंड में, जो सेकंड में हो वही थर्ड में, जो थर्ड में हो वही फोर्थ में, ऐसा कुछ नहीं होने का दोस्तों। हर प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, क्योंकि मैंने ये देख लिया है, ठीक है। तब मैं आपको बता रही हूँ, तो चलो मैं आपको अपना फर्स्ट सिम्टम बताती हूँ, ठीक है। कि दोस्तों जो मेरा फर्स्ट सिम्टम है ना, जो कैविंग, फूड कैविंग का बोलते हैं ना, तो वही मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। मेरा ना सबसे ज्यादा मन, जैसे मेरा बेटा था तब, तो मैं ये है कि प्रॉपर तीनों टाइम की डाइट लेती थी और मीठा भी मीठा ही खाती थी। अगर मेरे सामने मीठा रखा है, खट्टा रखा है, तो मैं मीठा ही खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये रहता था, ठीक है। प्रॉपर तीनों टाइम की डाइट भी लेती थी मैं, सारी चीजें मतलब खा लेती थी, तो मेरे डाइजेस्ट रहता था। ये था कि जो मेरा मन कर रहा मैं खा लेती थी, इतना होता था बेटे के टाइम पे। बेटे के टाइम पे तो बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट था, जो मेरे सामने खट्टा भी आ रहा है, मीठा भी आ रहा है, मैं सब खा रही हूँ, तीखा, खट्टा, मीठा, सब सब जो भी खाती थी मैं सब खाती थी। उस वजह से मेरा पूरा पूरा 15 किलो वजन गेन हो गया था जब मेरी बेटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती थी जो भी खाती थी मैं। मुझे अगर किसी चीज की स्मेल भी आ रही ना, तो मेरे को ये चाहिए खाने को, तो वो ला के देते थे मुझे, मैं खा लेती थी। तो बेटी के टाइम में मेरा ऐसा होता था। अब थर्ड प्रेगनेंसी की बात कर लो, अब तो मुझे ना किसी चीज की स्मेल आती है ना कुछ आती है, और घर में इतना इतना सब चीज ला के रखते हैं मेरे लिए, मेरे से नहीं खाया जाता, कुछ नहीं खाया जाता मेरे से। कुछ खाते हो तो मुझे वोमिट हो जाती है, फ्रेश होने जाना पड़ता है, एकदम से पेट में दर्द होने लग जाता है अगर मैं कुछ खा लेती हूँ हैवी। तो मेरे से इस बार कुछ नहीं खाया जा रहा है दोस्तों, पर यह है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत ये खा लेती हूँ जीने के लिए, अपने बच्चे को न्यूट्रिशन दवाइयों के लिए थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, जो मैं जबरदस्ती खाती हूँ, लिक्विड वगैरह ही लेती हूँ ज्यादा, और कुछ नहीं। हाँ पर यह है कि थोड़ा मीठा मुझे पसंद आ रहा है इस बार, ना मैं तीखा खा रही हूँ ना खट्टा खा रही हूँ, पर यह मीठा मुझे अच्छा लगता है। कुछ खा लिया तो उसके बाद मुझे मीठा चाहिए खाने को, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। अब दूसरी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है दोस्तों, मूड स्विंग्स का, कि हाँ मूड स्विंग्स रहते हैं। जो मेरी पहली दूसरी प्रेगनेंसी थी ना, जब मेरा बेटा था, तो मुझे सच बता रही हूँ, मुझे सुबह सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, सुबह सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब मेरी बेटी थी, जब भी मुझे ऐसा था कि मेरे सुबह सुबह नहीं उठा जाता था, कि भाई मुझे देर तक सोना है और मुझे नहीं उठा जाता, सर में दर्द, जल्दी उठ जाओ, सर में दर्द, ऐसे भारी भारी वीकनेस वीकनेस फील होना, ऐसे सुबह सुबह उठने में मुझे ऐसा होता था। उठने उठने में जैसे बैठ भी जाती थी ना, 15 मिनट पहले मुझे बैठे रहना पड़ता था बेड पर। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता, इस बार मुझे नींद नहीं आती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है मुझे। मैं रात को भी जगी रहती हूँ, रात को 12:30-1 बज जाते हैं जब मुझे जाके बहुत उसमें नींद आती है, फिर सुबह में मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मूड स्विंग का ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है ये वो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी सा रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि मुझे हाँ गुस्सा गुस्सा आ रहा, एक्टिव रहती हूँ, एनर्जेटिक। तो थोड़ा ये नहीं है कि हाँ ये पड़ी इधर से उधर, ऐसा कुछ नहीं है, फील गुड। नहीं खाती हूँ इतना, लेकिन फिर भी है कि मेरे दो बच्चे हैं, सारा काम तो करना ही पड़ता है, एक बेटा मेरे स्कूल जाता है, उसे पढ़ाना लिखाना सारी चीजें होती है, सब काम करना होता है, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मैं करती हूँ सब चीज, ठीक है। तो तीसरी चीज ये हो गई, और चौथी मैं आपको बताती हूँ कि पेट को देख कर बताते हैं ना कि प्रेगनेंसी में, कि पेट को देख के बताते हैं कि हाँ इसकी बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। तो बेटे के टाइम पे मेरा पेट बिल्कुल नहीं दिखता था, बेटी के टाइम पे ऐसा दिखता था कि डबल है, दो है इसके, बेटी के टाइम पे ऐसा दिखता था, और वो हेल्दी भी हुई थी। अब की बार भी पेट बिल्कुल नहीं दिखता है कुछ, तो मैं इस वजह से सोचती हूँ कि हाँ भाई मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ ज्यादा, तो इस वजह से शायद ना दिखता हो। तो इस बार मेरा पेट बिल्कुल नहीं दिखता है, मेरे को थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं दिखता है मेरा पेट, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी चीज तो ये हो गई, और यूँ कहते हैं ना कि हाँ पेट की लाइन, ये तो मैंने टेस्ट किया ही है अपने ऊपर। जब मेरा बेटा था, जब बेटा हुआ था मेरा, तो मेरी पेट की लाइन थी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी थी, ऊपर से लेके नीचे तक मेरी पेट की लाइन बिल्कुल सीधी थी। तो मेरे को बेटा हुआ था, बेटी के टाइम पे मेरी थोड़ी सी सीधी ऊपर से आके ऐसे सीधी, नीचे से ऐसे टेढ़ी हो गई थी, ठीक है। अब की बार अभी तक तो मेरी सीधी ही है, और आगे भगवान मालिक, हमें नहीं पता और क्या होगा, आगे सीधी है अभी तक तो, ठीक है। अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है,
तो ये हो गया चौथा, ठीक है। और पांचवा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे वो मेडिकल वाले होते हैं ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह वाली, वो वाली आपको बताती हूँ कि मेरा इस बार जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है, और FHR है जो है 150-155 के अराउंड अराउंड रहता है मेरा जो FHR रहता है, ठीक है दोस्तों। प्लेसेंटा की पोजीशन मैंने आपको बता दी, एंटीरियर, ये दो चार चीजें हैं जिसे देख के सब प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। तो मैंने अल्ट्रासाउंड का ही बता दिया, अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से तो मुझे बेबी गर्ल होगी, जो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, उसके हिसाब से तो मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए। और वैसे वैसे तो देख के और लोग बाग पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे, वैसे मोहल्ले में किसी को पता नहीं है अभी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, किसी को पता नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो और अब अगला मैं आपको बताती हूँ कि जो फेस का ग्लोइंग होता है, ग्लो होता है, जो मेरा फर्स्ट था बेटा हुआ था जब, और जब बेटी हुई थी, जब भी मतलब मैं अच्छा खासा ग्लो करती थी, बेटे के टाइम पे भी मैं बढ़िया ग्लो करती थी, क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी आते ही कंसीव हो गया था बेटा, तो फिर मेरा फेस भी अच्छा सा ग्लो करता था, और बेटी के टाइम पे भी हाथ पैर सब तो बढ़िया हो गए थे, सॉफ्ट बाल भी अच्छे, सब सब चीज अच्छे हो गया था मेरा, ठीक है। लेकिन थर्ड प्रेगनेंसी में बिल्कुल चेंज है, इस बार मेरा फेस बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, आंखें भी सारी अंदर चली गई हैं, आप देख सकते हो छोटे छोटे दाने हो रहे हैं फेस पे, रैशेस वगैरह हो रहे हैं, ब्लैक हिट्स, व्हाइट हिट्स, सब सब हो रहा है। ये मैं सब चीज यूज कर रही हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है बिल्कुल, हाथ वात सब, बाल भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं, बिल्कुल मुरझाए मुरझाए से, ठीक है। इस बार ऐसे हो रहा है, मतलब देखने में ऐसे लगती हूँ मैं बिल्कुल इनएक्टिव सी, कि कुछ नहीं है फेस मेरा, ऐसा लगता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो गया एक लक्षण, तो आपको मैंने इतने सारे लक्षण तो बता ही दिए हैं, अब आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि मुझे क्या होगा, ठीक है, इतने सारे लक्षण तो इनफ है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि मुझे क्या होगा, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा, ठीक है। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।